अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। फूडी स्टडी में आज एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही लजीज रेसिपी फ्रेंच ऑमलेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही मजेदार और बहुत ही लाजवाब ये ऑमलेट तैयार होता है, जिसे आप पराठे के साथ या स्लाइस के साथ ले सकते हैं। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं फ्रेंच ऑमलेट के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। फ्रेंच ऑमलेट बनाने के लिए यह हमारे पास चार अंडे हैं, जो इनको अभी हम इसकी सफेदी और जर्दी जो है वो सेपरेट कर लेंगे। इसमें हमें कुछ इसके अंदर ग्रीन जो है वो मसाला भी चाहिए। इसके अंदर हरी प्याज का जो है वो मैंने थोड़ा सा ग्रीन हिस्सा लिया है, जो कि 2 टेबलस्पून है। 3 टेबलस्पून जो है वो इसका हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा है, जिसको बारीक चॉप कर लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून पुदीना लेंगे, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। और एक छोटे साइज की शिमला मिर्च है, जिसमें से आधी जो है वो मैंने इसको बारीक फाइन चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्चें हैं, इसको भी चॉप कर लिया है। और 2 टेबलस्पून हरा धनिया है, ये भी आप बारीक जो है वो इसको काट लें, बारीक चॉप कर लें। एक छोटे साइज का टमाटर है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। अब यहाँ हमारे पास बॉयल और श्रेडेड चिकन है। चिकन को बॉयल करने के बाद उसको मैंने इस तरह से इसके जो है वो रेशे कर लिए हैं। ये तकरीबन हमारे पास 1 कप के बराबर है। 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्न इस्तेमाल करेंगे और ब्लैक ऑलिव्स हैं, ब्लैक ग्रीन जो भी अगर आपको पसंद है, ग्रीन चाहे तो आप ग्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 अदद ऑलिव्स हैं जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है। इसके अलावा अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ चेदर चीज है, जितनी हमें इसकी ज़रूरत होगी वो ऊपर हम इसको ऑमलेट के ऊपर जो है वो इसको स्प्रिंकल कर देंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो क्रीम है 2 टेबलस्पून, और इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो नमक है, 1 टीस्पून इसमें सफेद मिर्च है और 1 टीस्पून भर के इसमें मैंने काली मिर्च ली है। सोया सॉस इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे। अंडे की सफेदी और जर्दी को अलग कर लेंगे। अंडे की सफेदी और जर्दी को सेपरेट कर लिया है। अंडे की जो जर्दी हमने सेपरेट की है, इसमें 1 से 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे। जर्दी के अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसमें कॉर्न और ऑलिव्स और चिकन भी डाल देंगे। नमक, सफेद मिर्च और काली मिर्च भी इसमें डाल देंगे। और ये तमाम ग्रीन मसाला जो अभी मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, ये सब इसमें डाल देंगे। क्रीम भी इसके अंदर डाल देंगे। इन सब को बहुत अच्छी तरह से जल्दी के अंदर मिक्स कर लेंगे। आप इसे एक तरफ रख देते हैं। अंडे की सफेदियां जो मैंने अभी सेपरेट की हैं, उन्हें एक बड़े बॉल में मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे बहुत अच्छी तरह से फेंटेंगे। विस्क की मदद से भी कर सकते हैं या आप इलेक्ट्रिक बीटर जो है उससे भी इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट सकते हैं। अंडे की सफेदी को बहुत अच्छी तरह से बीटर से बीट कर लिया है। अब हम ऐसा करेंगे कि जो हमने जर्दी में जो तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए थे वो सब इसके अंदर डाल के इसको फोल्ड कर लेंगे। अंडे की सफेदी में तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहां फ्राई पैन में हम 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल के अंदर ये तमाम बैटर अब इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। इसमें ऑमलेट किनारों से लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे।
ऑमलेट की साइड जो है वो चेंज कर दी है, जैसे ये नीचे से लाइट गोल्डन कलर इसका आया है, इसी तरह से इसको थोड़ा सा लाइट गोल्डन दोनों तरफ से कर देंगे। एक साइड से 10 मिनट तक इसको पकाने के बाद, जब हमने इसकी साइड चेंज की है तो मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट और पकाया है। अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। ऑमलेट बिल्कुल तैयार है। हम गरम गरम पर ही इसके ऊपर जो चेदर चीज है ये इस पर डाल देंगे। फ्रेंच ऑमलेट बिल्कुल तैयार है। चीज लगाने के बाद इसको या तो आप माइक्रोवेव में गर्म कर लें या थोड़ी देर के लिए कवर करके रखें, जैसे कि मैंने रखा है, तो इसकी चीज जो है वो बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। ऑमलेट के ऊपर थोड़ा सा ओरिगानो हम छिड़क देंगे, इससे इसकी बहुत अच्छी लुक आएगी। बहुत ही मजेदार और बहुत ही लजीज ये फ्रेंच ऑमलेट तैयार होता है, जो कि बहुत लाइट स्पाइस के साथ ये तैयार होता है। हमारे ये पाकिस्तानी खानों की तरह इसमें जो है वो बहुत ज्यादा तेज ये स्पाइसी नहीं होता, लेकिन इसका जायका बहुत मजेदार होता है। मेरी ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।